पीएम किसान योजना मिलता है वो भी है, पीएम आवास मिलता है, रेल स्टार्ट करवाया वंदे भारत, आपको क्या फायदा है? आपको क्या फायदा है? पीएम किसान ठीक है स्टार्ट करवा दिया, खाद कितना महंगा कर दिया, बिल बिजली बिल कितना महंगा कर दे, बाहर बात तोरा हम 10% दे दें, अब 50% कमीशन लगा दिया। आपका सैलरी क्या 8000 करते हैं, सैलरी कोची बात करते हैं, क्या कर रहे हैं तब यहां जब के आदमी ऐसी परीक्षा दिखा रहे हैं आईटीआई वाला, तब आपके अंदर योग्यता होगा तब ये ना मिलेगा हो, हम बोरिंग रोड जाएंगे छौड़ीबाजी करने के लिए, हमको सरकार नौकरी आके घर देगा, नौकरी मतलब तेजस्वी गजब वाले तक तेजस्वी अपने घर से दे रहा है, वोट देने का मुद्दा क्या से दे रहा है, लोग कहता उसे नोमी फेल, जब नोमी फेल है तो इतना रोजगार दिया, यदि ग्रेजुएटेड रहता तो कितना नौकरी मिलता, अरे भाई पढ़ेगा क्या, सबको पढ़ा दिया है, पहले मोदी जी पोस्ट किए हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, 400 पार, क्या कहेंगे, 0 बटा 0 हो जाएगा, काय बात करते हैं, क्या सही बोल रहे हैं, दो बार जो जीते हैं ना, चलिए पहली बार जो जीते हो तुक्का में जीत गए, दूसरी बार भी ये नहीं जीता है, ऐसे ही जीत गए, ऐसे ही जीत गए, आप नहीं वोट दिए ना, ऐसे ही जीत गए मोदी जी, क्या बात करते हैं कि नहीं वोट दिए, ऐसे जीत गए मोदी जी, क्या बात, आप वोट दिए थे, देखिए हम लोग 2014 से वोट दे रहे हैं बीजेपी को, हाँ। बिहार को विकास करने के लिए, इस बार दीजिएगा, इस बार नहीं देंगे मोदी जी को वोट, चिराग पासवान देंगे वोट, चिराग पासवान, हाँ। अरे जहाँ बीजेपी के कंट्री रहेगा वहाँ बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आरजेडी को दे देंगे, चिराग पासवान भी तो इंडिया घटक दल है, अरे यार वो अलग चुनाव मुद्दा है, हाँ। जुमलाबाजी काम नहीं चलेगा बिहार को, बिहार को चाहिए विकास कंपनी, चिराग के साथ है तेजस्वी के साथ है, देखिए हम तो बोल दिए पहले ना कि हम चिराग चिराग वोट देंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी कैंडिडेट रहेगा वहाँ बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा, प्रधानमंत्री बहुत चेहरा है कांग्रेस में है, मोदी जी को बनाइएगा, नहीं जी मोदी का बनाएंगे, अगर चिराग एनडीए के साथ रहते हैं तो वोट दीजिएगा तो मोदी जी ही बनेंगे ना, पहले तो नीतीश कुमार भाग जाएगा कांग्रेस में, एकदम भाग जाएगा, प्यार से क्या उम्मीद है, 40 लोकसभा सीट है, कितना मिल जाएगा, 40 में 40 क्या लग रहा है मैम, कितनी सीट इस बार आएगी मोदी जी, मोदी जी की फुल आएंगी, 400 पार बिल्कुल बिल्कुल भरोसा, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ जनता को काम नहीं चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए, जनता को काम नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, कुल 7 चरण में जो है लोकसभा का चुनाव होगा, पहला चरण जो है 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, यानी बिहार के औरंगाबाद से जो है चुनाव का बिगुल जो है वो फूट जाएगा, यानी पहले चरण में औरंगाबाद लोकसभा सीट पे चुनाव होनी है। ऐसे में आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि उसका मूड क्या है, आखिर वो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना पसंद करेंगे, साथ ही साथ वोट देने का जो मुद्दा है वो क्या होगा, रोजगार के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे या जाति के नाम पे वोट देंगे, किस नेता को पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, आइए तमाम मुद्दे पे हम आम जनता की राय जानते हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, किसको वोट देना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मोदी को बनाना है, काहे मोदी को बनाइएगा, मोदी ने 10 सालों में जो विकास किया है उसको देखते हुए मोदी को ही बनाना है, मोदी जैसे विकास किए, क्या विकास किए हैं, मोदी ने बहुत सारा विकास किया है, आप देखिए मोदी जी का विकास किया, बहुत सारा बहुत जगह काम गिना दीजिए, जी हाँ बहुत जगह सड़कों का विकास हुआ है, आर्थिक रूप से देश जो है अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जैसे आप बोल रहे हैं इनको नहीं पता है, आप बोल रहे गिनाने के लिए, नहीं नहीं पांच काम बता देते हैं, पीएम किसान योजना मिलता है वो भी है, पीएम आवास मिलता है, रेल स्टार्ट करवाया वंदे भारत, आपको क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, पीएम किसान ठीक है स्टार्ट करवा दिया, खाद कितना महंगा कर दिया, बिल बिजली बिल कितना महंगा कर दे, बाहर बात तोरा हम 10% दे दें, आप 50% कमीशन लगा दें, आपका सैलरी क्या 8000 करते हैं, सैलरी कोची बात करते हैं, क्या कर रहे हैं तब यहां, गजब के आदमी ऐसी परीक्षा दिखा रहे हैं आईटीआई वाला, गजब हालत है, आपके अंदर योग्यता होगा तब ये ना मिलेगा हो, हम बोरिंग रोड जाएंगे छौड़ीबाजी करने के लिए, हमको सरकार नौकरी आके घर देगा, नौकरी मतलब तेजस्वी गजब हालत अपने घर से दे रहा है, वोट देने का मुद्दा क्या से दे रहा है, मतदान का मतलब होता है अपना मत अपना दान, मतलब रोजगार के ऊपर नौकरी वोट मिलेगा, बिहार के विकास के मामले में वोट मिला है, लोग कहता है उसे नोमी फेल, जब नोमी फेल है तो इतना रोजगार दिया, यदि
ग्रेजुएटेड रहता तो कितना नौकरी मिलता। पढ़े पहले ग्रेजुएट। अरे भाई पढ़ेगा क्या, सबको पढ़ा दिया है, कहाँ बात करते हो। फूट कहाँ गया सरकार, सरकार कहाँ चुनिया है सरकार तो उन लोग। अच्छा एक बात बताइए, बिहार का बजट कितना है नीतीश कुमार, बिहार का बजट कितना है इस साल का, बिहार का बजट कितना है आप पढ़े उसको देख के बोलिए ना। 25,000 करोड़ है। कितना है? 25,000 करोड़। मोदी जी 1,250,000 करोड़ रूपए। सुनिए पहले सुनिए ना, बिहार का बजट 25,000 करोड़। बोलना फटाफट रहता है आपको, 1,250,000 करोड़ मोदी पिछले साल भी दिया। कहाँ गया, कौन है यूसी, कहाँ है आपके पास है, खाली भचर भचर बोल देना है कोई भी काम। राज में आइए, राज छोड़िए, राज में आइए। मोदी जी बिहार में ही आकर के दिए पिछले बार भी 1,250,000 करोड़। कहाँ है आपके पास कोई ऑडिट है, खाली कुछ न कुछ बोल देना है। हम दिए पहले मोदी जी पोस्ट किए हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, 400 पार, क्या कहेंगे? 0 बटा 0 हो जाएगा, काय बात करते हैं। दो बार जो जीते हैं ना, चलिए पहली बार जो जीते हो तुक्का में जीत गए, दूसरी बार भी ये नहीं जीता है, ऐसे ही जीत गए, ऐसे ही जीत गए। आप नहीं वोट दिए ना, ऐसे ही जीत गए मोदी जी। क्या बात करते हैं कि नहीं वोट दिए, ऐसे जीत गए मोदी जी, क्या बात। आप वोट दिए थे, देखिए हम लोग 2014 से वोट दे रहे हैं बीजेपी को, बिहार को विकास करने के लिए। इस बार दीजिएगा, इस बार नहीं देंगे मोदी जी को वोट, चिराग पासवान देंगे वोट, चिराग पासवान। अरे जहाँ बीजेपी के कंट्री रहेगा वहाँ बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और नहीं दे देंगे। सुनिए अनुभाग, सुनिए सुनिए, अरे अनुभाग तो वो है बीजेपी वाला है अनुभाग की, कहता जो नीतीश भगलू राम को ले दिया 16 सीट, जो भागते फिर रहा है इधर से उधर, जिसको दिया 16 सीट, और दो जो 10 वर्ष से 7 है उसको दिया 5 सीट। ये कहाँ की नीति है, कहाँ की नीति है? सबसे बड़ा भगड़ू है तो बीजेपी है। हाँ सबसे बड़ा भगड़ू तो बीजेपी है। चिराग पासवान जहाँ से खड़ा होंगे, अगर वहाँ से कन्हैया कुमार खड़ा होंगे, किसको वोट दीजिएगा? अरे यार जहाँ चिराग को चिराग को वोट देंगे हम, हाँ मतलब बीजेपी से वोट कीजिएगा। बीजेपी जहाँ कैंडिडेट रहेगा ना, वहाँ RJD को वोट पड़ेगा। तो फिर चिराग पासवान भी तो इंडिया घटक दल है। अरे यार वो अलग चुनाव मुद्दा है, जुमला बाजी से काम नहीं चलेगा बिहार को, बिहार को चाहिए विकास कंपनी। चिराग के साथ है, तेजस्वी के साथ है। देखिए हम तो बोल दिया पहले ना कि हम चिराग चिराग वोट देंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा वहाँ बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा। बीजेपी के कैंडिडेट रहेगा तो वोट नहीं दिएगा, चिराग रहेगा तो दीजिएगा, चिराग पासवान को, बस उसके अलावा किसी का नहीं। तो प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? प्रधानमंत्री बहुत चेहरा है कांग्रेस में है, मोदी जी को बनाइएगा? नहीं जी, मोदी का बनाएंगे। अगर चिराग एनडीए के साथ रहते हैं तो वोट दीजिएगा तो मोदी जी ही बनेंगे ना? पहले तो नीतीश कुमार भाग जाएगा कांग्रेस में, एकदम भाग जाएगा। जैसी सरकार बनाने में कांग्रेस का सीट कम जाएगा ना, वो इसीलिए तो तुम्हारा भाग जाएगा बीजेपी, एकदम भाग जाएगा कांग्रेस में। ये कुछ दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से भाग जाएगा कांग्रेस में, चल जाएंगे तो चले जाए, उनसे क्या होने वाला है, उनका तो नीति बन गया है, वो किधरों जाए। इस बार लेकिन बिहार में मोदी का सरकार आएगा। मोदी जी कहे हैं कि एक सुर में पूरे 140 करोड़ जनता की आवाज है इस बार 400 पास के, सही 401 401 आज बोले हैं। हाँ 401 सही बात है आ जाएगा 401 401 क्या क्या लग रहा है मोदी इस बार 400 पार एकदम होना है, भाजपा का ही सरकार बनेगा। नहीं लिखाया जाता, तिलक लगा के 401 का लिखवाएंगे। मोदी क्यों मोदी? बस मोदी 400 पार क्या लग रहा है इस बार कौन है? मोदी 400 पार 400 पार जो मोदी जी आज लिखे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कि सही बात है, बन जाएंगे इस बार? बनेगा क्या नहीं, बनिएगा। हर 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 जनता अपने आत्मनिर्भर बनेगी तो पूरे देश बन जाएगी। बिहार से क्या उम्मीद है, 40 लोकसभा सीट है, कितना मिल जाएगा? 40 में 40 भरोसा है मोदी? हाँ ये है, देश का विकास हो रहा है। ये हो नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसी तरह चिल्लाता है विपक्ष। कोई भी विपक्ष रहे तो चिल्लाएगा, कोई भी चिल्लाएगा विपक्ष का काम है उसकी बुराई करना। अच्छा मुद्दा क्या होगा, वोट किस पे दीजिएगा, रोजगार पे, विकास पे? विकास हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, विकास दो बार से वो हैं, तीसरी बार फिर आएंगे तो और विकास करेंगे, हम लोग सामने है। विपक्ष कह रहा है कि जुमलाबाजी सिर्फ होता है, विकास कुछ नहीं होता है। जुमलाबाजी जो विपक्ष कह रहा है तो उसके दिमाग से, जुमलाबाजी हमारे दिमाग से, तो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, हो रहा है। किस क्षेत्र से आते हैं लोकसभा से? हम लोग, हमारा लोकसभा क्षेत्र है महाराजगंज। मोदी जी आएंगे जी, मोदी क्यों मोदी? काम कर रहे हैं तो इसलिए आएंगे, काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है। विपक्ष का काम तो बोलना ही है, विपक्ष तो बोलेगा कि कुछ काम नहीं हो रहा। कहाँ से आए? जनता देख रही है। आप कहाँ से? मैं तो फिलहाल दिल्ली से आया हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कैसा विकास हो रहा है?
दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं, अभी तो अपना अपने हिसाब से कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या लग रहा है बीजेपी देश हित के लिए काम करती है? बिल्कुल देश हित के लिए करती है, क्यों नहीं करती है? कौन कह रहा है कि नहीं करती? विपक्ष तो कह रहे हैं कि काम सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत फैलाने वाली काम बीजेपी कर रही है, नहीं समाज बांटने वाली काम कर रही है। समाज क्या बांट दिया? समाज तो अपने आप मुस्लिम लड़ाने वाली काम कर रही है। नहीं किसी, अरे हिंदू मुस्लिम तो इस टाइम बिल्कुल खुश है। आप लोग पूरी तरह से इस बार मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल है। 400 पार प्रधानमंत्री मोदी जी पोस्ट किया कुछ देर पहले ही, इस बार देश के 140 करोड़ लोग उसके साथ हैं, इस बार 400 पार है। बिल्कुल 400 पार है जी, बिल्कुल यकीन है। बिल्कुल क्या लग रहा है मैम, कितनी सीटें इस बार आएगी मोदी जी? मोदी जी की फुल आएंगी 400 पार। 400 पार बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करें मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ। जनता को काम नहीं चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। भाजपा की सरकार चाहिए? जनता को काम नहीं चाहिए, जनता को नोट नहीं चाहिए, जनता को पत्नी नहीं चाहिए, जनता को भाजपा की सरकार चाहिए। अच्छा बस मतलब इस बार भाजपा की सरकार आएगी? इस बार नहीं, 9 बार भाजपा की सरकार आएगी, 9 बार इस बार नहीं। 400 पार का बेड़ा हो जाएगा पार? 400 के पार थोड़ी है ना भैया, हम तो कह दिए कि 9 बार भाजपा की सरकार आएगी 1900-2057 तक। चलिए बार हो गया, 7 चरण में जो है चुनाव होनी है और देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालते हैं, क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तमाम जो खबर है पल पल की आपको देते रहेंगे, लोकसभा चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।